उस समय मैं अपने दोस्त स्पेंसर के फार्म हाउस पे स्लीप ओवर के लिए गया हुआ था। उधर मेरे और दो दोस्त भी आए हुए थे। उधर पास में ही एक बीच था तो हम लोग उधर भी गए। हमने उधर स्विमिंग की और उसके बाद हमने वॉलीबॉल वगैरह भी खेला। अब रात हो चुकी थी और हम लोग काफी ज्यादा बोर हो गए थे तो हमने डिसाइड किया कि हम बाहर जाके चीजें थोड़ी सी एक्सप्लोर करेंगे। हमने कुछ कुछ सामान ले लिया, जैसे कि मैंने फ्लैश लाइट ली थी और साथ में मेरे दोस्त ने तो फायर एक्सटिंग्यूशर ही ले लिया था। उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए। अब उधर से थोड़े ही दूर थे कि सडनली कुछ हुआ। हमने किसी आदमी की आवाज सुनी जो कि कोई मंत्र बोल रहा था। हम सब बहुत ज्यादा डर गए और हमने एक सर्कल बना लिया। मैंने उस आवाज की तरफ फ्लैश लाइट मारी और मैंने देखा कि उधर एक आदमी खड़ा था। तभी स्पेंसर का पाव किसी चीज में पड़ गया जिसकी वजह से आवाज क्रिएट हुई और उस आदमी ने हमारी तरफ देखा। उसके हाथ में एक एक्स थी और वो तभी हमारी तरफ भागने लगा। वो आदमी हमारे काफी पास आ गया था कि तभी मेरे एक दोस्त ने जिसके पास फायर एक्सटिंग्यूशर था उसने उसकी आंखों में फायर एक्सटिंग्यूशर चला दिया और मौके का फायदा उठा के हम लोग वहां से जल्दी से भाग गए। हम लोग उसके अगले दिन ही अपने घर वापस आ गए थे। मुझे नहीं पता वो आदमी कौन था, लेकिन मैं उससे फिर कभी नहीं मिलना चाहता।